फाइनली निसान मोटर्स ने मैग्नाइट का प्रोडक्शन वेरिएंट अनवील कर दिया है। निसान एक जैपनीज एटोमेकर है जो मैग्नाइट को सबसे भीड़ वाले और पॉपुलर होते सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज के सेगमेंट में लॉन्च करने वाला है। निसान मोटर्स मैग्नाइट को बहुत सारी उम्मीदों के साथ इंडियन मार्केट में उतारने वाला है, पर इंडिया में तो विटारा ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, एक्सेवी 300 जैसी गाड़ियाँ इस सेगमेंट पर डेरा डाल बैठी है और अब तो किया सोनेट और अर्बन क्रूजर इस लिस्ट में शामिल हो गई है। मैग्नाइट को निसान ने हाल ही में ग्लोबली अनवील तो कर दिया है, पर निसान का फोकस इंडिया के अंदर सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज के सेगमेंट पर है। दूसरी तरफ किया मोटर्स ने कम प्राइजेस और ज़्यादा फीचर्स का लालच दिखाकर किया सोनेट को इस भीड़ वाले सेगमेंट में लॉन्च कर दिया है। लोग भी किया मोटर्स के सोनेट को बहुत पसंद करने लगे हैं। मैग्नाइट के कुछ ऑफिशियल और अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के जरिए इस वीडियो में हम ऑन पेपर कंपेयर करने वाले हैं निसान मैग्नाइट और किया सोनेट को। तो चलिए देखते हैं निसान की मैग्नाइट सोनेट को टक्कर दे पाती है या नहीं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले डायमेंशन से शुरू करते हैं। तो मैग्नाइट की लेंथ 3998 mm है, जो कि 2 mm ज़्यादा है किया सोनेट की लेंथ से। मैग्नाइट की विड्थ 1765 mm है, जो कि 25 mm कम है सोनेट के 1790 mm के विड्थ से। मैग्नाइट की हाइट 1647 mm है, जो कि 5 mm ज़्यादा है किया सोनेट के 1642 mm के हाइट से। मैग्नाइट का व्हील बेस 2519 mm है, जो कि 19 mm ज़्यादा है सोनेट के व्हील बेस से। वैसे ही बूट स्पेस के बारे में अगर बात करी जाए तो मैग्नाइट में आपको 336 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, जो कि 56 लीटर कम है सोनेट के 392 लीटर के बूट स्पेस से। व्हील बेस, लेंथ और बूट स्पेस की वजह से मैग्नाइट में सोनेट से भी बेहतर अच्छा खासा केबिन स्पेस मिल जाएगा। जबकि सोनेट का बूट स्पेस तो सेगमेंट में सबसे बड़ा है, पर सेकंड रो की स्पेस बहुत ही कम है, जो लॉन्ग ट्रिप्स पर थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में अगर बात करी जाए तो मैग्नाइट में आपको मिलेगा 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि सोनेट में भी आपको 205 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। दोनों भी गाड़ियों में 16 इंचेस के टायर ऑप्शन मिला करेंगे। किया सोनेट में 15 इंचेस की स्टेपनी दी गई है। आपको शायद ही पता होगा कि हाल फिलहाल इंडियन मार्केट के अंदर निसान मोटर्स के सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। पहला तो निसान GTR, जो कि एक्सपोर्टिंग के जरिए इंडिया में बेचा जाता है, और दूसरा निसान गिक्स। निसान मोटर्स ने कम डिमांड के चलते निसान सनी, निसान मिक्रा, एक्टिवा, निसान टेरेनो को 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया है। 2020 में कौन सी मशहूर गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू हो चुकी है ये अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इंजन के बारे में बात करी जाए तो निसान ने मैग्नाइट में हाल फिलहाल 1 लीटर का ही पेट्रोल इंजन दिया है। निसान मोटर्स मैग्नाइट को डीजल इंजन में लॉन्च करेगा या नहीं ये तो अभी तक नहीं बताया गया है, पर शायद निसान मोटर्स इस गाड़ी में नेचुरल एस्पायर्ड 1 लीटर पेट्रोल इंजन दे सकता है। जबकि किया सोनेट में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, 1.2 लीटर नेचुरल एस्पायर्ड पेट्रोल इंजन, दूसरा 1 लीटर TGDI पेट्रोल इंजन, तीसरा 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन। अगर हम मैग्नाइट के 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन को कंपेयर करें किया सोनेट के 1 लीटर TGDI इंजन से, तो मैग्नाइट का टर्बो पेट्रोल 100 BHP की पावर निकाल कर देता है, जो कि 20 BHP कम है किया सोनेट के 120 BHP के पावर से। वैसे ही मैग्नाइट का इंजन 160 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि 12 Nm कम है किया सोनेट के 172 Nm के टॉर्क से। ट्रांसमिशन ऑप्शन की अगर बात करी जाए तो मैग्नाइट में 5-स्पीड मैनुअल और CVT ट्रांसमिशन मिला करेंगे, जबकि सोनेट के अंदर ढेर सारे ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाते हैं। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6-स्पीड IMT, 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 7-स्पीड DCT। तो यहाँ पर तो किया सोनेट निसान मैग्नाइट से 2 कदम आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स को कंपेयर करके देखते हैं। तो मैग्नाइट के कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो मैग्नाइट के अंदर 8 इंचेस टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, TFT डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, 12 वोल्ट पावर सॉकेट, रियर एसी वेंट्स, 60S240 स्प्लिट सीट्स, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट डिस्प्ले, निसान कनेक्टिविटी, और निसान मोटर्स मैग्नाइट को टेक पैक में भी इंट्रोड्यूस करेगा, जो कि इस टेक पैक में वायरलेस चार्जिंग, एयर प्यूरीफायर, प्रीमियम JBL स्पीकर्स, एम्बिएंट मूड लाइटिंग, पेडल लैंप जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। मैग्नाइट के सेफ्टी फीचर्स पर अगर ध्यान दें तो मैग्नाइट के अंदर ABS विथ EBD, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, 12 फ्रंट एयरबैग्स, हिल स्टार्ट असिस्ट,
जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिला करेंगे। वैसे ही अगर हम सोनेट के फीचर्स के बारे में बात करें, सनरूफ, एलईडी डीआरएल्स, 10.25 इंचेस, सेगमेंट फर्स्ट टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कनेक्टिविटी, बॉस प्रीमियम 7 स्पीकर्स साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इंटीग्रेटेड एयर प्यूरीफायर विथ वायरस प्रोटेक्शन, यूवीओ कनेक्ट कार टेक्नोलॉजी, एलईडी साउंड मूड लाइटिंग, ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि किया सोनेट के अंदर एबीएस विथ ईबीडी, ड्यूएल फ्रंट एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स सिर्फ इतने सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि रियर पार्किंग सेंसर्स भी सिर्फ दो ही है, जो कि मैग्नेट के अंदर 4 रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। किया सोनेट के बेस मॉडल में सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर्स को छोड़कर अल्टो जितनी सेफ्टी मिल जाती है। वैसे देखा जाए तो सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स, ये दो फीचर छोड़कर मैग्नेट में किया सोनेट से बेहतरीन फीचर्स मिल सकते हैं। माइलेज की अगर बात करी जाए तो मैग्नेट में 16-22 kmpl का माइलेज क्लेम किया जा सकता है, जबकि सोनेट में 18-24 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। अब अगर दोनों भी गाड़ियों के लुक्स को देखें तो मैग्नेट के अंदर ड्यूअल टोन एक्सटीरियर देखने मिलता है। इस गाड़ी का डिज़ाइन थोड़ा बहुत निसान गिक से डिज़ाइन से इंस्पायर्ड होगा, जहाँ पर फ्रंट में वी मोशन लार्ज ग्रिल मिला करेगी। ऐसा ग्रिल डेस्टन के प्रोडक्ट्स में देखने मिलता है। गाड़ी के हेडलैम्प्स एल शेप्ड डीआरएल्स के साथ मिला करेंगे, जो कि ये शेप भी कहीं ना कहीं पर डैटसन रेडिगो से मिलता जुलता है। पीछे से भी निसान मैग्नेट थोड़ी बहुत प्रीमियम दिखाई देती है। निसान मैग्नेट में एयर वेंट से लेकर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ORVMs तक विशिष्ट एक्सागोनल थीम देखने मिल जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ किया सोनेट के लुक की तरफ देखें, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न दिखाई देता है। किया सोनेट का लुक बेबी एलिफेंट से इंस्पायर्ड है। गाड़ी के फ्रंट में टाइगर नोज ग्रिल और हार्टबीट डीआरएल्स गाड़ी को एक डिफरेंट लुक देते हैं। किया सोनेट के पीछे का लुक निसान मैग्नेट के कंपैरिजन में बहुत ही अग्रेसिव है। वैसे ही किया सोनेट का इंटीरियर भी काफी प्रीमियम है, तो डिजाइन के मामले में किया सोनेट निसान मैग्नेट से एक कदम आगे है। अब अगर प्राइजेस के बारे में बात करी जाए तो निसान मैग्नेट की एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस 5.5 लाख से शुरू होकर 10 लाख तक मिल जाया करेगी, जबकि किया मोटर्स की किया सोनेट 6.71 लाख से शुरू होकर 12.91 लाख तक मिल जाती है। पर यहाँ पर किया सोनेट में काफी सारे प्रीमियम फीचर्स सेकंड टॉप और टॉप वेरिएंट में ही मिल जाते हैं। वैसे ही फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर निसान अच्छी तरीके से करता है तो निश्चित रूप से निसान की मैग्नेट इंडियन मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हो सकती है। पर इंडिया के अंदर निसान मोटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड नहीं है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 3 सालों के अंदर किया मोटर्स इंडिया की 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी बन चुका है। तो आपको क्या लगता है, निसान मैग्नेट किया सोनेट को टक्कर दे पाएगी या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।